तुम ऐसे इनकाइंड होके निकलती हो। हां 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 तेज से तो मत, बड़ी अच्छी लग रही थी वो, मिस कर मेरे पुरानी बड़ी सयानी पुरानी बड़ी भाई। हां पर गुरु शक्ल ना हमारी कर लेंगे इतना ही शक्ल अच्छे से। बहुत सुंदर लगाई भाभी ने मेहंदी, थैंक यू भाभी। और ये चंदा इन्हें खुद लगाया अपने यार की चंदा मामा अच्छा यहाँ पे लगा दो, ये खाली खाली लग रहा है ऊपर का है ना। हाँ बहुत प्यारी लग रही है। चलो पहले फेस से दिखाओ ना, कल इन दोनों को अब तैयार दे। फिर मॉर्निंग में उठकर हम लोगों ने तैयारी करी, छोले बना लिए निशा और मैंने, फेनी अम्मी ने बनाई थी और सिवैया मैंने बनाई थी, तो बस तैयारी हो गई थी। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, आप सबको ईद मुबारक। तो निशा क्या बना रही, छोले? निशा भी अपनी शक्ल दिखाएगी, बोले तैयार हो के अच्छे से तब दिखाएंगी शक्ल। मैं भी कहाँ तैयार हूँ, मैंने सूट पहन लिया। बस निशा बना रही थी छोले और बस सब चीज़ बन गई, तैयार हो गई थी, बस हम सब इंतज़ार कर रहे थे सबका आने का कि सब लोग आए नमाज़ पढ़कर। और बहुत अच्छा दिन लगता है यहाँ पे, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी पहली ईद है यहाँ पर, तो बाहर का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा था, लोग नमाज़ पढ़ के अपने घर आ रहे थे और ऐसे मौके का इंतज़ार पूरा साल हम लोग करते। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशामदीन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है ईद, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पूरा दिन मैं शेयर करूं। तो सुबह मैं उठी थी, जैसे मैंने आपको बताया, फिर जाके ईद की तैयारी जो होती है नॉर्मल, वो हम लोगों ने करी कि सब लोग नमाज़ पढ़ कर आए। अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। रेडी तो मैं खैर सुबह ही, मैंने नया सूट पहन लिया था और, लेकिन अब मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि अब हम लोग जाएंगे घर अपने, वो मुझे लेके जाएंगे क्योंकि मेरी पहली ईद है शादी के बाद। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। फिट और अम्मी ने दिया था ये बना के, और ये जो मैंने पहना है ये मेरे को पापा ने दिया यहाँ पर, मेरे इन लॉज ने, वो भी बहुत प्यारा था सूट, और ये भी दोनों। तो अब मैं ये वाला डालूंगी क्योंकि घर इसके साथ सिंपल सा, इतनी जल्दी नहीं पता, लेस भी नहीं लगा पाई मैं, तो कोई बात नहीं, इसके साथ स्ट्रेट प्लाजो है। बस मैं इनको फटाफट आयन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रेडी और मैंने अपना सूट पहन लिया है एंड द बैंगल्स आर रेडी। मैंने पहली बार इतनी सारी बैंगल्स पहनी शादी के बाद, कोई भी नहीं पहनता। तो कैसी लग रही है मैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और सबकी खुशियां भरा दिन निकले ये, और बहुत मज़े करो आप क्योंकि दिन ही इतना प्यारा है ना। तो कैसी लग रही है एंड लेट मी शो माय ऑल, दिस इज अ ब्यूटीफुली show you my whole dress, this beautiful pant over there, it's not a pant like is palazzo hai, ye kuch dheela dheela comfortable hai garmiyon mein, bahut acha, aur bas aaj maine goldi pehna, to bas this is the aur ye wahi jootiyan hain jo maine aapko dikhai thi agar aapko yaad ho pichle vlog mein, जो मैं खरीद के लेकर आई थी अपनी मार्केट से। एंड दिस ब्यूटीफुल, और ये मैंने संडे मार्केट से बैंगल्स ली थी जस्ट रुपीज़ ऑफ 100, शायद मुझे महंगी पड़ी हो नहीं पर मुझे पता नहीं, बट लेकिन मुझे अच्छी लगी मैंने फटाफट ली। ये दरक्षा हैं और इनके बाल माशाल्लाह बहुत सुंदर हैं, पीछे की तरफ पड़े हैं, ब्लैक सूट पहन रखे हैं तो पता ही नहीं चल रहे हैं इनके बाल। मैं कभी ज़रूर इनके बाल आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर बाल हैं, बहुत लंबे हैं। और ये घबरा रही थी कैमरे के आगे, ये नेहा है। चलो इन सब की आवाज़ आप सुनना, ये वही छोटी सी फिजा बोला अभी था भाई बच्चों, किसे किसे दिखा रहे हो अभी, किसे किसे दिखा रहे हो, ऊपर करी है ना तो बाजू नीचे आ जाएगी अच्छी, क्योंकि इसमें बाजू लगाई है अभी, तो ये इन दोनों को जोड़ना है। क्या बोल रही है, पानी देखो इधर कैमरे में देखो, तभी आप था वो भी मोटी नहीं है इसका।
उसके बाद छत पर आकर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, कुछ रील्स बनाई और बहुत मज़ा आया है। हमने कुछ सब सारी कज़न सिस्टर्स लॉ के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। ये हमारे जीजा जी हैं, बाजी हैं, माशाल्लाह इनकी जोड़ी बहुत प्यारी है। फिर सब सालियों ने इनको घेर लिया, फ़ोटोज़ क्लिक कराई और बहुत मज़े करे। और हम सब लोग कह रहे थे हैशटैग जीजा की सालियाँ की, बहुत सारी सालियाँ इनकी। तो बस कुछ लास्ट में हमने एक रील बनाई थी, बहुत अच्छी रील थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं और इतना मज़ा कराया और पूरा दिन इतना अच्छा खास बना लिया। हमने लास्ट एक रील बनाई थी, वो आपके साथ शेयर करूँ। मेरे को लास्ट में ठीक से मिल ही नहीं पाई अपना, तो बस हल्का सा इफ़रा और मैं आए थे, पर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लिटरली ईद पर मज़ा बहुत आया क्योंकि मेरी बहनें नहीं हैं सगी और इतनी सारी सिस्टर्स लॉ मिल गई, तो मज़ा आ गया। फिर लास्ट में अपने घर गए। अच्छा, घर का मैं कुछ ले नहीं पाई शूट क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, 8 बजे तक घर पहुँचे होंगे और फिर थक गए और कुछ मन नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का। बस यही है, आप सबको लास्ट में ईद मुबारक और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।